जयराम सरकार उधार की गाड़ी में सवार है, इस वजह से प्रदेश आर्थिक दिवालियापन से जूझ रहा है। सरकार एक बार फिर अब घोषणाओं को पूरा करने के लिए 8000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। सोलन में संयुक्त रूप से पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जिस कारण उन्हें प्रदेश की बदहाल सड़कें नजर नहीं आ रही। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश को कर्ज मुक्त करने का लोगों से वायदा किया था, लेकिन अब उसका उल्ट हो गया है। प्रदेश सरकार विकास के नए संसाधन खोजने में पूरी तरह से नाकाम रही है, इस कारण प्रदेश में बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आगामी 27 फरवरी को सोलन में महिला कांग्रेस का एक सम्मेलन होगा। वहीं कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी 7 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। राठौर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है, इस कारण जनता कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। हाँ, देखिए बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि तीसरा दिन होने को आया है और सरकार जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ढंग से नहीं चला पाई। जो हमारे पुराने तरीके हैं, परंपरागत तरीके हैं, बुलडोजर और बांस के सहारे जो है वो जवानों को ढूंढ रहे हैं, जबकि दिल्ली में हमारी NDRF है, उनकी सेवाएं ली जा सकती थी। हमारे माउंटेन इंस्टीट्यूट है मनाली और नारकंडा में, उनकी सेवाएं ली जा सकती थी। जब आर्मी को लगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है, आज उन्होंने पूरा जो है कंट्रोल ले लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन का, और मुझे लगता है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मामला बहुत गंभीर है। पन्ना प्रमुख की बात आई है, एक पन्ना है जिसमें 30 या 35 वोटर होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनकी विचारधारा जरूरी नहीं भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की भी हो सकती है, स्वतंत्र विचारधारा भी हो सकती है। मुझे इस शब्द पे आपत्ति है, पन्ना प्रमुख, कि भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दिया कि ये पन्ना प्रमुख नाम रखे? तो मेरा ये कहना है कि ये खाली शोशेबाजी, और हमारे जो लोग हैं, जब पन्ना प्रमुख लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे जो लोग उनसे पूछेंगे कि पूरा हिसाब किताब लेंगे, जो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है दिल्ली में रहा है या प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल रहा है, उनसे जवाब तलबी की जाएगी। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर लड़ रही है, और मैं तो पूरी सर्वसम्मति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ, और आप देख रहे होंगे कि जो पहले छोटे मोटे बयानबाजी चलती थी उस पर विराम लगा है, और कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल एकजुट होकर इकट्ठे होकर जो है चुनाव के मैदान में उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।